चर्चा करेंगे। और मध्य लीला से अध्याय क्रमांक 7 और श्लोक क्रमांक 129। तो ये वो साउथ इंडिया की यात्रा में जो गए थे, दक्षिण भारत की यात्रा में, तो उनको एक कूर्म नाम का जो ब्राह्मण था वो मिलता है। इस प्रकार से हम पिछले लीलाओं में सब सुनते आ रहे हैं, कूर्म जो ब्राह्मण था वो उनको मिलता है, और वो उनसे इतना आकर्षित हो जाता है, कि वो महाप्रभु, चलिए तो बाद में महाप्रभु उनको साथ में आगे लेके जाते हैं और उनको बहुत सारे उपदेश देते हैं, और वो कहते हैं कि मैं आपके साथ ही रहना चाहता हूँ। लेकिन महाप्रभु कहते हैं कि नहीं, तुम घर पे रहो और घर पर रह करके प्रचार कार्य करो। तो देखिए पिछले पिछले भगवान हमारे कृष्ण भावनामृत जो आंदोलन है उसका सार बता रहे हैं। क्या कहते हैं, या गुरु है या तारा ये देश, हर एक को उपदेश दो कि वह भगवद गीता तथा श्रीमद भागवत में दिए गए भगवान श्री कृष्ण के आदेशों का पालन करें। इस तरह गुरु बनो और इस देश के हर व्यक्ति का उद्धार करने का प्रयास करो, है ना। तो ये जो उपदेश था कूर्म ब्राह्मण को श्री चैतन्य महाप्रभु देते हैं। फिर आज के श्लोक में, आज जो हम चर्चा करेंगे आज के प्रयास से, वो एक्चुअली ये लीला का एकदम अंतिम पड़ाव आ गया है। इसके बाद हम एक नए लीला के और बढ़ेंगे, जब चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत की और थोड़ा आगे बढ़ते हैं, तो उनको तो देखिए किस प्रकार से कृष्णदास कविराज गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं। कबुना बाधी बे तोमार विषय तरंग, पुनरपि ऐठाई पावे मोर संग। यहाँ पे बहुत सुंदर चीज बता रहे हैं, है ना। चैतन्य महाप्रभु ने कूर्म ब्राह्मण को कहा, इसका पालन करोगे तो तुम्हारा गृहस्थ जीवन तुम्हारी आध्यात्मिक प्रगति में बाधक नहीं बनेगा। यदि तुम इन नियमों का पालन करोगे तो हम पुनः यही मिलेंगे, अथवा तुम मेरे साथ कभी नहीं छोड़ोगे, तुम मेरा साथ कभी नहीं छोड़ोगे। बहुत महत्वपूर्ण चीज बता रहे हैं ना यहाँ पे। ठीक है, परपट प्रभुपाद जी को सुंदर चीज बता रहे हैं, छोटा सा परपट है, उसको थोड़ा पढ़ लेते हैं। यह सुअवसर हर एक के लिए है। यदि कोई व्यक्ति महाप्रभु के प्रतिनिधि के मार्गदर्शन में चैतन्य महाप्रभु के उपदेश का पालन करे और हरे कृष्ण महामंत्र का जप करे, इसी नियम को यथासंभव हरे सिखलाए, तो उसे भौतिक जीवन का कल्मश छू तक नहीं सकता ना? तो इसके उदाहरण श्रीमद् भागवतम में भरे हुए हैं। श्रीमद् भागवतम जो है ये भगवत गीता एक थियोरिटिकल ज्ञान है। भगवान ने थियोरिटिकली हमें समझाया कि हमें कैसे रहना चाहिए, भक्त कैसे होते हैं, अलग अलग प्रकार से भगवान ने हर एक एंगल से समझाया भगवत गीता में। लेकिन श्रीमद् भागवतम में वो अलग अलग एंगल जो जिसमें जिस पर्सपेक्टिव में भगवान ने समझाया है, उस पर्सपेक्टिव से अप्लाई करते हुए जो लोग हैं, जो भक्त हैं, उनके जीवन चरित्र से हम सीख सकते हैं, हम देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो भगवद गीता में भगवान ने कहा है वो श्रीमद् ना। तो उसके कई सारे उदाहरण हैं, जिस प्रकार से आगे हम देखते हैं बहुत सारे डिवोटीज हैं, बहुत सारे भक्त हैं जिनके भगवान जिनको माध्यम बनाते हैं इस भौतिक संसार के लोगों को शिक्षा देने के लिए। तो आज के श्लोक में देखिए प्रभुपाद जी, हाँ अभी जी जो प्यार चल रहा है 130 नंबर प्यार, इसमें प्रभुपाद जी प्रचार को बहुत ज्यादा दबाव दे रहे हैं, प्रचार को बहुत ज्यादा फोर्स कर रहे हैं। और चैतन्य महाप्रभु भी इस प्रसंग में हर एक व्यक्ति को प्रचार करने के लिए कहते हैं। जिससे आगे वासुदेव विप्र जो वासुदेव ब्राह्मण था उससे मिलेंगे, उससे भी जाकर के कहेंगे कि तुम प्रचार करो। जिसको कोढ़ की बीमारी हो गई थी तो महाप्रभु उनका कोढ़ ब्राह्मण है, इसको भी बोल रहे कि तुम प्रचार करो। तो कोई सोच सकता है कि ठीक है हम प्रचार तो करेंगे लेकिन माया तो बड़ी तीव्र है, हम तो चैतन्य महाप्रभु जैसे नहीं, तो माया हमें कैसे छोड़ देगी। कल
जब मैं अजमेर गया था तो वहां पर मैंने एक कोट देखा प्रभुपाद जी के लिए, प्रभुपाद कि माया से लड़ सकता है ना, और कहते हैं वही क्षण होता है कि हम माया के विरुद्ध युद्ध शुरू कर देते हैं ना, माया के विरुद्ध में हम युद्ध शुरू कर देते हैं। और माया कोई साधारण तो वो कुछ है नहीं, शक्ति तो है नहीं, देवी ऐसे गुणमयी मम माया दुरत्तया, भगवान भी खुद कहते हैं कि मेरी माया जो है बहुत कठिन है, और इससे पार होने के लिए केवल मामेव प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति, जो व्यक्ति मेरी शरण में आता है। प्रभु जी आपका नेटवर्क बराबर नहीं है, साउंड ब्रेक हो रहा है। दूरे नहीं अवरण कर्म बुद्धि योग धनंजय, इन सारे जो अवरण, नेटवर्क का बहुत इशू है यार, इधर ना वाईफाई का थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा है, सास ससुर का वाईफाई नहीं है, दूसरे का वाईफाई ब्रेक हो रहा है आपका। अभी अभी आ रहा है, बता रहा है बीच में, ब्रेक हो रहा है क्या? आवाज आ रही है बरोबर है? हाथ तो हिलो। तो यहाँ पर जैसे हमें बता रहा था कि चैतन्य महाप्रभु प्रचार के ऊपर बहुत बल दे रहे हैं इस प्रसंग में, तो देखिए आगे प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं। यह सु अवसर है एक के लिए, यदि कोई व्यक्ति महाप्रभु के प्रतिनिधि के मार्गदर्शन में चैतन्य महाप्रभु का उपदेश का पालन करे और हरे कृष्ण मंत्र का जप करे, इसी नियम का यथासंभव हर एक को सिखलाए, तो उसे भौतिक जीवन का कलमश छू तक नहीं सकता है ना। तो हम जब प्रचार करते हैं, जैसे भगवान ने 18 अध्याय के भगवदगीता में बताए हैं कि जब व्यक्ति इस ज्ञान को दूसरे को बांटता है तो उससे कोई व्यक्ति ना मेरा प्रिय था, ना प्रिय होगा और ना प्रिय है ना। तो प्रचार कार्य के लिए भगवान स्वयं, जब कृष्ण अवतार में जब भगवान आए थे द्वारका द्वापर युग में, तो अर्जुन को भी इसी चीज के विषय में कहा है ना। तो प्रभुपाद जी भी देखिए क्या कह रहे हैं, आगे कह रहे हैं, यदि कोई भक्त श्री चैतन्य महाप्रभु के उपदेशों का पालन करता है तो भगवान के सानिध्य में रहता है। तो चैतन्य महाप्रभु ने पूरे जीवन काल में देखिए सिर्फ 8 हमें उपदेश दिए, 8 जैसे हम जिसको शिक्षाष्टकम के रूप में जानते हैं ना। तो शिक्षाष्टकम में जो शुरुआत के जो 4 जो श्लोक जो चैतन्य महाप्रभु ने बताए हैं वो एक भक्त के लिए साधना है। भक्त को चाहिए कि उस चीज को प्रैक्टिस करे। कैसे, कौन से चीज है? चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग निर्वापणम ना, जो हमारा चित्त रूपी दर्पण है जो कई जन्मों से अलग अलग अनर्थों के कारण दूषित हो गया है, उसको साफ करने के लिए केवल हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना ये एक उपाय है जो चैतन्य महाप्रभु ने दिया है। ये उनका आदेश है इस संसार के जीवात्माओं के लिए, जो भक्त हैं उनके लिए आदेश है कि इस आदेश को पालन करके, इस नियम को पालन करके हमारे हृदय को शुद्ध करें। और हृदय को शुद्ध करने के बाद फिर क्या, नाम नाम कार्य बहुधा निज सर्वशक्ति। जब आप जप करो तो जब जो हम महामंत्र का जप कर रहे हैं उसको भगवान से अभिन्न, मतलब भिन्न ना समझे, वो अभिन्न है भगवान से।
नाम और भगवान में कोई अंतर नहीं है, इस चीज को भगवान कह रहे हैं और उसके लिए प्रैक्टिस करने गए हैं। फिर आगे क्या कहते हैं, त्रिनादपि सुनीचे न तरोरवा सहिष्णुना अमानि न मानदेन कीर्तनीय सदाहरि। फिर ये भी एक साधना है भक्त के लिए कि चाहिए हमें कि हम तृण से भी अधिक सहिष्णु हो और दूसरों को मान दें और सम्मान की आशा ना करें। वास्तविकता में ये संसार का सबसे कठिन कार्य है कि हम लोग या कोई व्यक्ति बिना कोई सम्मान के किसी दूसरे व्यक्ति को सम्मान दे, है ना, अपने लिए कुछ ना सोचे। और इसका सबसे बढ़िया उदाहरण चैतन्य महाप्रभु खुद देते हैं, वृक्ष का, है ना, वृक्ष का। एक जगह मैं सुन रहा था कि वृक्ष कितने दयालु होते हैं और कितने हैं, मतलब त्रिनादपि सुनीचे एकदम परफेक्ट उदाहरण है। देखिए जब गर्मी का समय आता है तो हर एक व्यक्ति भी, जैसे गर्मी का मौसम आ रहा है तो हर एक व्यक्ति पेड़ के नीचे जाके बैठने का प्रयास करता है ना, वो पेड़ के नीचे जाके बैठेगा। लेकिन वृक्ष कभी इस व्यक्ति, जो व्यक्ति उसके नीचे जाके बैठता है, उसको ये नहीं कहता कि यार तू मेरे छाया के नीचे 2 घंटा बैठे, मुझे फीस तो दो। उसने कभी नहीं, वो ऐसा कभी नहीं कहता। और इतनी हद कर देते हैं मनुष्य लोग कि जाकर के वृक्ष की टहनियों को काट देते हैं, उसकी जो, मान लीजिए कोई फल का वृक्ष है तो उसके फल को ले लेते हैं। लेकिन कभी वृक्ष कभी ये नहीं कहता कि तुम मेरे फल को क्यों ले रहे हो, आपका क्या अधिकार है मेरे फल को लेने का, नहीं, ऐसा कभी नहीं कहता, है ना। और हद और हो जाती है जब उसको काट देते हैं, और काटते समय जब उसको काटते हैं तो भी वो भी सावधान कर देता है, अरे तुम मुझे काट रहे हो, हट जाओ, मैं गिर जाऊंगा तो तुम मेरे नीचे आके मर जाओगे। तो जब पेड़ गिरता है ना तो आवाज करते हुए गिरता है, आवाज करते हुए गिरता है ताकि सामने वाला व्यक्ति जो उसको काट रहा है उसके नीचे आके दब ना जाए। तो जो पेड़ है, वृक्ष है, इसका उदाहरण चैतन्य महाप्रभु देते हैं कि भक्त को इस प्रकार का व्यक्ति होना चाहिए, है ना। अगर ये मान लीजिए, अगर ऐसा सोचा जाए, एक और दृष्टिकोण से सोचा जाए कि अगर त्रिनादपि सुनीचे ना ही अगर भक्त के लिए महत्वपूर्ण है तो चैतन्य महाप्रभु ने उसको पहले नंबर पर क्यों नहीं रखा, पहले नंबर पर चेतो दर्पण क्यों कहा महाप्रभु ने। तो इसका आंसर ये है कि अगर जब तक व्यक्ति हरे कृष्ण महामंत्र का जप करके अपने चित्त को शुद्ध नहीं कर लेता, तब तक ये त्रिनादपि सुनीचना है ना, ये उसके हृदय में वो हृदयंगम नहीं कर पाएगा। व्यक्ति कभी नम्र नहीं हो सकता जब तक वो हरे कृष्ण महामंत्र का जप निष्ठापूर्वक ना करे। छठे स्कंद में जहाँ पर यमराज जी यमदूतों को उपदेश देते हैं, वहां पर बहुत सुंदर चीज बताते हैं प्रभुपाद जी परपर्स में। वहां पर महाप्रभु जो है यमराज जी जो है वो यमदूतों को हरिनाम संकीर्तन के विषय में उपदेश कर रहे हैं। तो उस उपदेश में हर एक परपट में प्रभुपाद जी ये कह रहे हैं कि जब तक कोई भक्त अपने जीवन में जप करने के लिए, हरे कृष्ण महामंत्र जप करने के लिए कोई दृढ़ संकल्प लेकर के जब तक नहीं जप करता है, तब तक वो शुद्ध नाम तक पहुंचने की उसकी संभावना कम हो जाती है ना। तो जप करने के लिए कोई दृढ़ संकल्प लेना, और दृढ़ संकल्प कैसे हो सकता है, मान लीजिए कोई भक्त है कि वो संकल्प लेता है कि मैं 16 माला जब तक खत्म नहीं होगा तब तक मैं जल नहीं ग्रहण करूंगा, प्रसाद ग्रहण नहीं करूंगा, उस प्रकार से कोई अलग अलग प्रकार के संकल्प लेते हैं। कुछ लोग संकल्प लेते हैं कि मैं मंगल आरती के पहले 16 माला जप कर लूंगा, और ऐसे कई लोग हैं और कर भी लेते हैं। तो इस प्रकार के जब तक कोई व्यक्ति दृढ़ संकल्प नहीं लेता तब तक हरिनाम प्रभु जो है वो कृपा नहीं करते एक्चुअली। अब भौतिक जीवन में भी देखेंगे तो व्यक्ति कोई भौतिक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कितना मेहनत करता है, है ना। कोई कॉम्पिटिटिव जो कॉम्पिटिशन के लिए, मान लीजिए कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, IAS हो गए, UPSC हो गया, ये सब चीज के लिए लोग कितना मेहनत करते हैं, है ना। कल मैं अजमेर गया था तो वहाँ पर मेरा एक दोस्त है, हम जो ट्रेनिंग में थे PVT में, तो हमारे दोस्त, वो दोस्त था, हम दोनों साथ में ट्रेनिंग ले रहे थे। तो मैं तो उदयपुर आ गया, लेकिन वो क्या किया, वो मतलब उसके घर में फैमिली कुछ प्रॉब्लम थी, फैमिली घर में चले गया। तो आज मतलब 4-5 साल बाद हम मिले वापस, तो इतना आश्चर्य हो गया। मैंने कहा कि अब क्या कर रहे हो, तो बोला कि कॉम्पिटिशन के लिए एग्जाम, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स दे रहा हूँ और बहुत मेहनत कर रही है, जॉब भी कर रहा हूँ, ये भी कर रहा हूँ। तो सब बता रहा था कि किस प्रकार से मैं फंसा हुआ यार, ऐसा करके बता रहा था, है ना। और दीक्षित है, ऋषि प्रिय नाम होगा। तो ये ड्यूटी है, वो बता रहे थे कि प्रभु जी बहुत मेहनत करना पड़ रहा है मुझे, आश्रम में था तो बड़ा अच्छा था लेकिन अभी भौतिक संसार में एक गोल प्राप्त करने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ रहा है। तो ऐसा नहीं है कि आध्यात्मिक जीवन में जब कोई भक्त प्रवेश करता है तो उसको मेहनत करने की आवश्यकता नहीं होती, उसको और डबल मेहनत करने की आवश्यकता होती है। मैं भक्तिसिद्धांत महाराज का कोट पढ़ के सुनाता हूँ, कल बहुत सुंदर कोट है भक्तिसिद्धांत महाराज। हम्म,
भक्तिधर महाराज कहते हैं, डू नॉट गिव अप डिवोशनल सर्विस इवन इफ देर आर इन्यूमरेबल डेंजर्स, काउंटलेस इंसल्ट्स एंड एंडलेस हरेसमेंट। देखिए कितना, ये बहुत सार बता रहे हैं एक्चुअली, ये बहुत मतलब एकदम पॉइंट पे भक्ति सिद्धार्थ महाराज बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? डू नॉट गिव अप डिवोशनल सर्विस। कैसी कैसी परिस्थिति में डिवोशनल सर्विस को नहीं त्यागना है? सबसे पहला बता रहे हैं इन्यूमरेबल डेंजर्स, और दूसरा बता रहे हैं काउंटलेस इंसल्ट्स, और तीसरा बता रहे हैं हैरेसमेंट, एंडलेस हैरेसमेंट। हैरेसमेंट यानी कोई आपको परेशान कर रहा है, कोई व्यक्ति आपको, व्यक्ति विशेष आपको कोई परेशान कर रहा है, परेशान है भक्ति जीवन में। आप सोच रहे होंगे भक्ति जीवन में आकर के और परेशान हो गया, और परेशान हो रहा हूँ। तो भक्तिचंद महाराज कहते हैं कि फिर भी अगर परेशानी है भी तो भक्ति जीवन को त्यागना मत। और कहते हैं कि काउंटलेस इंसल्ट्स, अगर कोई आपका बहुत ज्यादा अपमान भी कर रहा है, अपमान भी कर रहा है, तभी भी भक्ति जीवन को मत छोड़ो। ये भक्ति सिद्धार्थ महाराज कह रहे हैं। और क्या कह रहे हैं? इन्यूमरेबल डेंजर्स। आपको लग रहा है कि अरे भक्ति जीवन करने से मुझे बहुत खतरे हैं, जैसे प्रभुपाद जी भक्ति सिद्धार्थ महाराज के जीवन में देखेंगे तो जब इतना बोल्ड प्रीचिंग करते थे वो, इतना बोल्ड प्रीचिंग कि लोग जो दूसरे संप्रदाय के, अपर संप्रदाय वाले लोग, वो लोग इनसे ईर्ष्या करने लगे थे भक्ति सिद्धार्थ महाराज से। और क्या कर रहे थे वो, पुलिस को जाकर के 25,000 रुपये उस समय के, मतलब मान लो कि 150 साल पुरानी बात होगी, तो उस समय 25,000 रुपये पुलिस को देकर के, रिश्वत देकर के कहा था कि ये भक्ति सिद्धार्थ महाराज को मार देंगे और आप कुछ केस मत करना, है ना। इस प्रकार से इतनी भयंकर डेंजर्स में भक्ति सिद्धार्थ महाराज रहा करते थे, लेकिन उन्होंने कभी भक्ति जीवन को त्यागा नहीं, और बल्कि और दृढ़ हो गए, और दृढ़ होते गए। हमें समझना चाहिए जो अच्छे भक्त होते हैं ना, वो भक्तिमय जीवन में कैसी भी परिस्थिति आए उसको कृष्ण की इच्छा समझते हैं, राधा रानी की इच्छा समझते हैं कि हाँ, ये श्रीमती राधा रानी की इच्छा है कि शायद मुझे शुद्ध करने के लिए राधा रानी कृष्ण जो इस रास्ते से ले जा रहे हैं। अच्छे भक्त इस प्रकार का विचार रखते हैं, और ये विचार रखने वाले जो होते हैं वो विरले ही होते हैं, बहुत विरले होते हैं ना। इसके लिए भक्ति सिद्धार्थ महाराज ने जो ये जो कोट देखा, देख रहे हैं ना कोट जो भक्ति सिद्धार्थ महाराज कह रहे हैं, ये एक्चुअली त्रिणादपि सुनिचे नहीं है। अमान ही ना मान देना, कोई भी कितना भी अपमान करे उसको सहन कर लो, ये कहना तो आसान है, लेकिन जब भक्ति जीवन में उसको उतारते हैं तो वास्तविकता में बहुत कठिन हो जाता है कभी कभी, है ना। ठीक है, अभी अगले श्लोक में देखते हैं क्या कह रहे हैं महाप्रभु। कहते हैं, ऐ मत आर घर करे प्रभु भिक्षा, से ये छे कहे तारे कराए शिक्षा। श्री चैतन्य महाप्रभु जिस किसी के घर में प्रसाद ग्रहण करके भिक्षा लेते, वे उस घर के रहने वालों को अपने संकीर्तन आंदोलन में सम्मिलित कर लेते और उन्हें वैसे ही शिक्षा देते जैसे कि कूर्म नामक ब्राह्मण को दी थी। देखिये महाप्रभु अभी जहां जहां जा रहे हैं, हर एक व्यक्ति को महाप्रभु क्या कर रहे हैं, अपने संकीर्तन आंदोलन में क्या कर रहे हैं, सम्मिलित करते हुए, संकीर्तन करते हुए साउथ इंडिया यात्रा में जा रहे हैं और किसी को नहीं छोड़ रहे। जिस जिस घर में जा रहे हैं भिक्षा याचन कर रहे हैं, भिक्षा याचन करके क्या कर रहे हैं, वो हर एक व्यक्ति को अपने आंदोलन में सम्मिलित कर रहे हैं, है ना। फिर अगले श्लोक में देखिए क्या कह रहे हैं। फिर कह रहे हैं, पथे आयते देखा देवालिया, यही यही ग्रामे यार घरे भिक्षा करे से ही महाजने। कुर्मे ये छे रीति ते छे कैले सर्व ठाई, नीला चले पुनः यातना आई लागो साई। कह रहे हैं, अपनी यात्रा के दौरान श्री चैतन्य महाप्रभु या तो मंदिर में या सड़क के किनारे रात बिताते। जब भी किसी व्यक्ति के घर भोजन ग्रहण करते तो वे उसे वही उपदेश देते जो उन्होंने कूर्म ब्राह्मण को दिया था। दक्षिण भारत की यात्रा से जगन्नाथपुरी लौट जाने तक महाप्रभु इसी प्रकार प्रचार करते रहे। देखिए महाप्रभु कितना भयंकर प्रचार कर रहे हैं, लेकिन फिर भी महाप्रभु कहते हैं कि मेरे अकेले की बस की बात नहीं है, है ना। वो क्या उदाहरण देते हैं कि एक माली कितने वृक्षों का ध्यान रख सकता है, है ना। अगर एक माली है तो उसको मान लीजिए कोई 1 बीघा जमीन की जो गार्डन होगा उसका ध्यान रख पाएगा, लेकिन वो 10 बीघा गार्डन का ध्यान नहीं रख सकता एक माली। तो चैतन्य महाप्रभु वही कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, एक जगह में कहते हैं महाप्रभु कि मैं अकेला एक माली हूँ, मैं अब कितने वृक्षों का ध्यान रख सकता हूँ। इसके लिए जो भी इस हरे कृष्ण आंदोलन में है उन सबको प्रचार कार्य में आगे बढ़ना चाहिए, प्रचार कार्य में आगे बढ़ करके
भौतिक संसार में जो लोग तीन ताप से दुखी हैं, चार जो क्लेश हैं उसे दुखी हैं, उन लोगों को इन क्लेश से उबारने के लिए सबको प्रचार करना चाहिए ना। तो महाप्रभु जगन्नाथपुरी लौटने तक केवल प्रचार कर रहे हैं, जो मिल रहा है सबको। हाँ, जो कूर्म ब्राह्मण को उपदेश दिए थे, जो आपने सुना होगा पिछले सोमवार को, वही उपदेश इस श्लोक में भी, इस यात्रा दौरान भी जो भी मिल रहा है उन सबको दे रहे हैं। तो कहते हैं अतएव यहाँ कहिला करिया विस्तार यही मत जानी भी प्रभु सर्वत्र व्यवहार। देखिए हम कृष्णदास कविराज गोस्वामी क्या कह रहे हैं, इस तरह मैंने कूर्म के प्रसंग में महाप्रभु के व्यवहार का विस्तार से वर्णन किया। इसी तरह से आप सारे दक्षिण भारत में महाप्रभु के व्यवहार को जान सकेंगे। तो क्या बता रहे हैं कि कूर्म कृष्णदास कविराज गोस्वामी कह रहे हैं कि इस प्रकार से मैंने क्या किया, महाप्रभु ने दक्षिण भारत में जिन जिन लोगों को प्रचार किया उसके विषय में कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने विस्तार से बताया। अभी आगे देखिए, आगे एक सुंदर लीला है कि इस तरह श्री चैतन्य महाप्रभु एक स्थान से रात भर रहते और प्रातः काल स्नान करके पुनः चले जाते ना। ये महाप्रभु क्या करते, अलग अलग स्थानों में जहाँ ट्रेवल करते थे, वो किसी स्थान में जाकर के रुक जाते रात को रुक जाते और सुबह उठ करके वापस से यात्रा को शुरू कर देते। प्रभु रनुव्रज कुर्म बहु दूर आयला, प्रभु तार यत्न करी घरे पठायला। कितने सुंदर बता रहे हैं। देखिए, जब महाप्रभु चले तो कूर्म ब्राह्मण बहुत दूर तक उनके पीछे पीछे आया, किंतु अंत में महाप्रभु ने उसे घर वापस भेज दिया। उनको क्या उपदेश देते हैं कि तुम जाकर के प्रचार करो, तो प्रचार करके ये जो मैंने उपदेश दिया है, तुम जहां पर रहते हो वहां पर जाकर इस चीज का प्रचार करो। आगे देखिए क्या कह रहे हैं, वासुदेव नामा एक द्विज महाशय सर्वांगे गलित कुष्ठ ताते क्रीड़ामय। अभी यहाँ पर महाप्रभु जब दक्षिण भारत में आगे बढ़ते हैं, वहां पे जो वासुदेव विप्र, जिसको हम सब बहुत अच्छे से जानते हैं, सब लोग ने बहुत सुना है इनके विषय में, वासुदेव विप्र, इनको मिलते हैं महाप्रभु। और इनके विषय में कविराज गोस्वामी अभी एक्सप्लेन कर रहे हैं। अगर वासुदेव नाम का एक अन्य ब्राह्मण था जो एक महान व्यक्ति था, किंतु कोढ़ से पीड़ित था, उसका शरीर जीवित कीड़ों से भरा हुआ था। हम सब जानते हैं, हमने चैतन्य चरितामृत में कई बार ये लीला सुनी है कि वासुदेव विप्र जो था, वासुदेव नाम का जो ब्राह्मण था, वो बहुत महान व्यक्ति था। क्यों महान व्यक्ति था आगे बताएंगे उसके विषय में। उसके शरीर में कोढ़ हो गया था, लेप्रसी जिसको कहते हैं, उसके शरीर में कोढ़ हो गया था, हर एक शरीर के अंगों में घाव हो गए थे और घाव के अंदर कीड़े भी पड़ गए थे जो जीवित थे। और कीड़ों का पोषण कैसे होता था, वो कीड़ों का पोषण उसके घाव, वासुदेव के घावों को खा करके उनका पोषण होता था। अभी देखिए क्या कह रहे हैं आगे, अंगहै ते ये कीड़ा खसिया पड़े, उठाए से ही कीड़ा राखे से ही ठाए। ये तो कोई व्यक्ति करेगा ही नहीं। यद्यपि वासुदेव कोढ़ से पीड़ित था, किंतु ज्ञानी था, जो ही उसके शरीर से कोई कीड़ा गिर पड़ता तो वह उसे उठाकर पुनः उसी स्थान में रख देता। ये तो कोई भी नहीं करेगा ना, कोई भी कितना भी ऊंचा कोटि का भक्त हो जाए या कितना भी सीनियर हो जाए, सो कॉल्ड सीनियर हो जाए, लेकिन वो ये चीज तो भले ही नहीं करे। वो कोई अपने अगर शरीर में घाव हो तो उसको ठीक करने के विषय में उसको कीड़े को साफ कर देगा, लेकिन वो कीड़ा गिर जाए उसको उठा के वापस उस स्थान में डाल दे जहां पर रोग है, घाव है, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिलेगा। तो इसके विषय में जहां पर हम सुनते हैं कि छह प्रकार के जो भक्ति के, शुद्ध भक्ति के लक्षण हैं, जिसमें शुभदा है, शारदानंद विशेषात्मा, मोक्ष लघुकृत, श्री कृष्ण आकर्षणी, इस प्रकार के जो छह लक्षण हैं, उसमें जो लक्षण है शुभदा, जो दूसरा लक्षण है शुभदा, उसके अंदर तीन प्रकार के शुभदा को कैटेगराइज किया गया है। शुभदा जो क्वालिटी है उसके अंदर तीन प्रकार के अलग अलग और क्वालिटीज हैं। जो व्यक्ति ये शुभदा जो स्टेज है उसके ऊपर जब रहता है, कोई व्यक्ति जब शुभदा स्टेज पर रहता है, तो उसके अंदर तीन गुण स्वतः ही प्रकट हो जाते हैं। उसके समय भागवतम में एक मिनट, श्रीमद् भागवतम में चौथे स्कंद में इसके विषय में बताया गया है। देखिए
जहां पर प्रचेतागण को नारद मुनि उपदेश दे रहे हैं, और उपदेश देते हुए वो कहते हैं दयया सर्वभूतेषु संतुष्टया येन केन वा सर्वेन्द्रियोपशान्त्याय च संतुष्ट्याश्रु जनार्दना। अब भगवान जनार्दन को कौन प्राप्त कर सकता है, उसके विषय में वो भक्त प्राप्त कर सकता है जिनके अंदर तीन क्वालिटीज हो, जिसके विषय में अब यहाँ पे वासुदेव विप्र के अंदर जो तीन क्वालिटीज हम देख रहे हैं, वो तीन क्वालिटीज के विषय में नारद मुनि भी प्रचेताओं को ये उपदेश दे रहे हैं। क्या देते हैं, क्या बोलते हैं, देखिए, बाय शोइंग मर्सी टू ऑल लिविंग एंटिटीज, बीइंग सेटिस्फाइड समहाउ और अदर एंड कंट्रोलिंग द सेंसेस फ्रॉम सेंस एंजॉयमेंट, वन कैन वेरी क्विकली सेटिस्फाई द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड एट जनार्दन, है ना। और ये तीन जो क्वालिटीज हैं, क्या क्या, दूसरों के प्रति दया करना और अपने में संतुष्ट रहना और अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करना, किस चीज से कंट्रोल करना, इंद्र तृप्ति की ओर जाने से अपनी इंद्रियों को संयम करना, ये तीन क्वालिटीज हैं। दया सर्वभूतेषु, दया करना किसके ऊपर, हर एक जीवात्मा के ऊपर, जिस प्रकार से हम वासुदेव जी के, वासुदेव विप्र के जीवन में देख रहे हैं कि वे कीड़े के ऊपर भी दया कर रहे हैं। मानो वो सोच रहे हैं कि अगर ये कीड़ा अगर मेरे घाव से नीचे गिर गया तो बेचारा मर जाएगा, क्योंकि इसका ये जो घाव है यही इसका पोषण है, यही इसका खाद्य पदार्थ है। और दूसरा क्या बता रहे, संतुष्ट या ये न केन वा, व्यक्ति संतुष्ट होना चाहिए किसी भी परिस्थिति में हो, किसी भी किसी परिस्थिति में हो, किसी भी वे में हो, हर एक जीवन परिस्थिति में हमें संतुष्ट रहना चाहिए। संतुष्ट ये न केन वा, और सर्वेन्द्रिय उपशांताय, और अपने इंद्रियों को इंद्रिय भोग वस्तुओं से कंट्रोल में रखना। अगर ये व्यक्ति तीन चीज करता है तो निश्चित रूप से वो भगवान जनार्दन को क्या कर सकता है, संतुष्ट कर सकता है। भगवान जनार्दन जो अब भक्तों के अर्दन करते हैं, भक्तों के कष्ट को अर्दन करते हैं, अर्दन यानी काटते हैं, उनको जनार्दन कहा जाता है। और जनार्दन शब्द के कई अर्थ हैं, लेकिन मुख्य अर्थ में से एक अर्थ ये है कि अर्दन यानी काटना, अपने भक्तों के कष्ट को क्या करते हैं, काटते हैं, इनका नाम, इसलिए उनका नाम जनार्दन पड़ा है। तो इस प्रकार से महाप्रभु इनको उपदेश दे रहे हैं, ये कह रहे हैं कि किस प्रकार से जो ब्राह्मण था वो पीड़ित होते हुए भी उनको वापस, वो कीड़ों को अपने पास रख लेता, वापस वो घाव में रख देता। अभी देखिए क्या कह रहे हैं, एक रात को वासुदेव ने महाप्रभु के आगमन की बात सुनी और प्रातः होते ही वह कूर्म के घर महाप्रभु का दर्शन करने आया। अभी जब जो वासुदेव विप्र था उसने सुना कि अरे महाप्रभु आए हैं और कूर्म ब्राह्मण के घर में, चलो चलो मैं दर्शन करने जाऊं। अब ये सुनकर के कूर्म ब्राह्मण क्या करते हैं, महाप्रभु का दर्शन करने के लिए जाते हैं। कहाँ जाते हैं, कूर्म ब्राह्मण के घर जाते हैं। अब जब कूर्म ब्राह्मण के घर जाते हैं तो वहां पर जाकर के बहुत वो क्या हो जाते हैं, निरुत्साहित हो जाते हैं, बहुत दुखी हो जाते हैं। क्यों दुखी हो जाते हैं, देखिए बता रहे हैं, प्रभुर गमन कूर्म मुखे ते सुनिया भूमि ते पड़िया पड़ीला दुखे मूर्छित हैया। क्या कह रहे हैं, जब वह कोढ़ी वासुदेव कूर्म के घर चैतन्य महाप्रभु का दर्शन करने गया तो उसे बताया गया कि महाप्रभु वहां से पहले ही जा चुके हैं। इस तरह वह बेहोश होकर भूमि पर गिर पड़ा जब उसने सुना कि बहुत बेचारा, एक तो पहले से पीड़ित था और बहुत कष्ट के साथ उस कूर्म ब्राह्मण के घर में पहुंचा। जब उसने देखा कि अरे महाप्रभु तो छोड़कर चले गए, महाप्रभु तो घर छोड़कर चले गए हैं, तो फिर कैसे, बहुत दुखी हो गया और क्या हो गया, बेहोश हो गया, अनकॉन्शियस हो गया और भूमि पर गिर पड़ा, बहुत दुखी हो गया। फिर आगे क्या कह रहे हैं, अनेक प्रकार अभिलाप करी तेला गीला से ही क्षण आसी प्रभु तारे आंगे, क्या कह रहे, तारे आलिंगीला। जब वह कोड़ी ब्राह्मण वासुदेव महाप्रभु का दर्शन न कर सकने के कारण विलाप कर रहा था तो महाप्रभु तुरंत उस स्थान पर लौट आए और उन्होंने उसका आलिंगन कर लिया। देखिए कितना सुंदर चीज है ना, महाप्रभु क्या कर रहे हैं, वो ये नहीं देख रहे, अरे इसको बीमारी है, कोढ़ हो गया इसको, या इसके शरीर में कीड़े हैं, नहीं, महाप्रभु ने क्या देखा, उसके हृदय में भक्ति देखी,
उसके हृदय में भक्ति देखी भगवान महाप्रभु ने और उसको क्या किया, आलिंगन कर लिया। एक्चुअली महाप्रभु जो थे कृपा के अवतार है ना, महाप्रभु बहुत कृपालु है और जो व्यक्ति श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा के लिए भागता है ना, दौड़ लगाता है, महाप्रभु उसको शीघ्र ही कृपा प्राप्त कर कृपा दे देते हैं। लेकिन वो महाप्रभु की कृपा प्राप्त करने के लिए भी एक वाया मीडिया है नित्यानंद प्रभु, नित्यानंद प्रभु के थ्रू जाकर ही हम महाप्रभु की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। और इसकी शिक्षा लीला में देते हैं, कौन सी लीला में, रघुनाथ दास गोस्वामी जब वो जाते हैं महाप्रभु से मिलने के लिए तो मिल नहीं पा रहे होते, महाप्रभु उनको बोलते हैं कि नहीं अभी नहीं, थोड़े दिन बाद, थोड़े दिन बाद, थोड़े दिन बाद, डिले कर रहे होते हैं। लेकिन जब वो नित्यानंद प्रभु से जाकर मिलते हैं तो नित्यानंद प्रभु क्या कहते हैं, अरे चोर, तू मेरे बिना महाप्रभु की कृपा प्राप्त करना चाहता है, और उसको उनके सर पर अपने चरणों को रख करके बोलते हैं, कृपा करते हैं और कहते हैं कि जाओ वैष्णवों की सेवा करो। और क्या करो, वैष्णवों की सेवा करके सारे जो ब्राह्मण है यहाँ पर नदीवासी सबको दही चिड़ा खिलाओ। तो उस प्रकार से बहुत बड़ा फेस्टिवल होता है, तो वैष्णव सेवा करवाकर उनको महाप्रभु की कृपा प्राप्त करवाते हैं। तो देखिए यहाँ पर भी महाप्रभु ये जो कूर्म ब्राह्मण है, सॉरी जो वासुदेव ब्राह्मण था, इसके ऊपर बहुत कृपा करते हैं, उसको आलिंगन कर लेते हैं। और आलिंगन करने का देखिए क्या कहते हैं, कहते हैं प्रभु स्पर्शे दुख संगे कुष्ठ दूर गेल आनंद सहित अंग सुंदर हैल। जब श्री चैतन्य महाप्रभु ने उसका स्पर्श किया तो उसका कोढ़ तथा उसका कष्ट एक साथ दूर भाग गए। वासुदेव का शरीर अत्यंत सुंदर हो गया जिससे उसे परम सुख प्राप्त हुआ। जब श्री चैतन्य महाप्रभु ने उसका स्पर्श किया तो जो व्यक्ति जो ब्राह्मण था वासुदेव, उसके शरीर में जितने कोर थे सब दूर चले गए, सब सब गायब हो गए और उसको वासुदेव को एक अत्यंत सुंदर शरीर प्राप्त हुआ। हाँ, बहुत सुंदर शरीर प्राप्त हुआ और वो बहुत प्रसन्न हो गया। मतलब उसको जो उसका जो पिछला दुख था वो दुख उसको छूट गया। लेकिन ऐसा नहीं है कि सुख प्राप्त, ये जो सुख प्राप्त हो गया उसको क्षणिक सुख प्राप्त हो गया उससे महाप्रभु की कृपा को भूल जाता है और महाप्रभु के प्रति जो उसकी अनुरक्ति थी उसको भी भूल जाता है, ऐसा नहीं होता। आगे देखिए क्या कहते हैं, प्रभु कृपा देखी तार विस्मय है लमन श्लोक पढ़ी पाए धरी करे स्तवन। वह ब्राह्मण वासुदेव श्री चैतन्य महाप्रभु की अद्भुत कृपा देख करके चकित था और वह महाप्रभु के चरण कमलों का स्पर्श करके श्रीमद भागवत का एक श्लोक सुनाने लगा। इससे हमें शिक्षा मिलती है कि जब हम भगवान श्री कृष्ण या राधा रानी के सामने जब दर्शन करने जाएं तो उनके सामने हमें स्तुति गानी चाहिए। कोई अच्छे भक्त जो है वो भगवान के सामने की स्तुति गाते हैं, जो भी स्तुति याद है, ऐसा नहीं कि हम अपने मन की स्तुति बना लें। मैं एक बार कोई मंदिर में गया था तो वहां पर जो लोग थे वो गाना गा रहे थे, सॉरी गाने जैसा गाना ही था वो, एक्चुअली भौतिक गाना था लेकिन उसमें उस ट्यून में भजन बना करके गा रहे थे। एक्चुअली बहुत हाँ अभी आपको सुनाऊंगा, बड़ा मजा आएगा। सुन प्रभु सुन भक्तों की सुन, इस प्रकार के जो पिक्चर के गाने हैं वो पिक्चर के गानों को पर ये लोग भजन बना करके भगवान के लिए गा रहे थे और ये उदयपुर में हो रहा था। लेकिन मैं सोच रहा था कि इस प्रकार का क्या है ये, और वो सुन करके मुझे तुरंत वो गाना याद आ गया, सुन प्रभु सुन भक्तों की सुन, और वो आलाप भी दे रहे थे। कहने का तात्पर्य यह है कि व्यक्ति अपने जो कलुषित मन से जो प्रार्थनाएं करता है भगवान के लिए उससे भगवान देखते भी नहीं है, क्या है ये पिक्चर के गाने गा के मुझे संतुष्ट करने का प्रयास कर रहा है, नहीं भगवान नहीं ध्यान देते। जब कोई भक्त भगवान की स्तुतियां जो उनके भक्तों ने की है, जैसे कुंती महारानी ने किया है, विष्णु देव ने किया है, जो भागवत में स्तुतियों से भरा हुआ है, उस उन स्तुतियों में से कोई व्यक्ति जब भगवान को स्तुति प्रस्तुत करता है तो भगवान उसको सुनते हैं और बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। इसके लिए अभी देखिए आगे कौन सा श्लोक उद्धृत कर रहे हैं, कहते हैं क्वाहम दरिद्रः पापीयान् क्व कृष्णः श्रीनिकेतनः ब्रह्म बन्धुरिति स्माहं बाहुभ्यां परिरम्भितः। उसने कहा ब्राह्मण, जब वासुदेव ब्राह्मण ने कहा मैं कौन हूं, एक पापी दरिद्र ब्रह्म बंधु, अपने आपको ब्राह्मण भी नहीं कह रहे हैं, अपने को ब्रह्म बंधु कह रहे हैं। ब्रह्म बंधु वो होता है जो केवल नाम का ब्राह्मण होता है, जो अपने नाम का ब्राह्मण होता है उसको ब्रह्म बंधु कहते हैं। जैसे भगवद गीता में जो भगवान ने ब्राह्मणों के जो कार्य बताए हैं, क्या
पठन पाठन इस प्रकार से जो कार्य बताए हैं, अगर वो व्यक्ति नहीं कर रहा है और सिर्फ जात ब्राह्मण बोलता है मैं ब्राह्मण हूँ ब्राह्मण हूँ, उन लोगों को ब्रह्म बंधु कहा गया है। लेकिन वासुदेव विप्र जो महान भक्त थे वो ब्रह्म क्या थे, वो ब्राह्मण थे, वो ब्रह्म बंधु नहीं थे, लेकिन विनम्रता के कारण अपने आप को ब्रह्म बंधु कह रहे हैं। और क्या कह रहे हैं, मैं कौन हूं, मैं एक पापी दरिद्र ब्रह्म बंधु हूं, और कृष्ण कौन है, छह ऐश्वर्य युक्त पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, फिर भी उन्होंने अपनी दोनों भुजाओं में भरकर मेरा आलिंगन किया। ये श्लोक एक्चुअली सुदामा जो थे, सुदामा ब्राह्मण, उन्होंने भगवान को दसम स्कंद में अभी लिख रहे, देखिए यह श्लोक सुदामा ब्राह्मण ने भगवान कृष्ण से भेंट के समय कहा था। तो ये जो भक्तों के अंदर जो विनम्रता का जो भाव है, वास्तव में एक पात्र है हृदय में, विनम्रता विनम्रता रूपी ये पात्र है भगवान भक्तों के हृदय में, जिसमें भगवान जूस के रूप में भक्ति को, वो भक्ति को डालते हैं, भक्ति को देते हैं, पात्र है विनम्रता, उसके अंदर भगवान भक्ति देते हैं और भक्तों के हृदय में अपने आप आ जाता है। फिर आगे देखिए क्या कह रहे हैं, बहुस्तुति करि कहे सुन दयामय, जीवे गुण नाही तुमाते ही है, मोरे देखी मोर गंधे पलाए पामर, हे न मोरे स्पर्श तुम्हें स्वतंत्र ईश्वर। वासुदेव ब्राह्मण ने आगे कहा, हे दयामय प्रभु, ऐसी कृपा सामान्य जीवों में संभव नहीं है, ऐसी कृपा तो केवल आप में ही पाई जा सकती है। पापी व्यक्ति भी मुझे देखकर मेरे शक्ति की दुर्गंध के कारण दूर चला जाता है, दूर चला जाता है। फिर भी आपने मेरा स्पर्श किया, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का व्यवहार ऐसा स्वतंत्र होता है। हमें कह रहे हैं कि भगवान आप तो स्वतंत्र ईश्वर हैं, जो भौतिकतावादी लोग मेरे शरीर से जो दुर्गंध आती थी उसको उसको सूंघ करके वो स्मेल को जब वो लेते थे नाक में उनको स्मेल आती थी तो दूर भागते थे मुझसे, दूर भागो ये वासुदेव तो कोड हो गया इसको, उनके घर से बहुत काफी दूर से निकलते लोग क्योंकि इतनी दुर्गंध। कहने कि भगवान आप तो स्वतंत्र ईश्वर हैं, इसके लिए आपने मेरे जैसे अधम ब्राह्मण के ऊपर अधम प्रभु बंधु की कृपा करके मेरा स्पर्श कर दिया, मुझे स्पर्श कर लिया। कृष्ण अवतार में भी इस प्रकार से कई लीलाएं करे, जैसे वो कंस के जो चंदन लेके जा रही थी उसका नाम क्या था, कुबरी कुछ तो नाम था, मैं नाम भूल रहा हूँ, बस फेमस नाम है। तो वो जो माता जी थी, भगवान ने उनको क्या किया, वो टेढ़ी थी लेकिन उसको सीधा कर दिया भगवान ने, है ना, उसको सीधा करके उसको सुंदर बना दिया। तो भगवान की कृपा है, जब व्यक्ति भगवान की सेवा करता है, क्या नाम था प्रभु, कुब्जा कुब्जा नाम था उसका, बुद्धि मेरा काम ही नहीं कर रहा। कुब्जा नाम की जो सेविका थी कंस की, वो सेविका जाकर के जो क्या करती थी, कंस को चंदन का सेवन किया करती थी, लेकिन जब भगवान कृष्ण को उसने देखा तो क्या किया, उसने भगवान से कृष्ण की सेवा के लिए चंदन दिया, तो कृष्ण बड़े संतुष्ट हो गए और उनको क्या किए, सीधा करके बहुत सुंदर बना दिया। तो भगवान की कृपा है ये। अभी देखिए क्या करे, किंतु आछीलाम भाल अधम हैया, एबे अहंकारम और जन्मी बे आसिया। अभी भक्तों का देखिए क्या लीला है, भक्त लोग इतने मतलब, अभी जिस व्यक्ति के ऊपर भगवान डायरेक्ट कृपा करते हैं तो उसके ऊपर अहंकार आने का प्रश्न ही कहां उठता है। यह अहंकार एक ऐसी चीज है जो शुरुआत से लेके भक्ति जीवन के शुरुआत से लेके भक्ति जीवन के अंत तक ये ऐसा अनर्थ है जो भक्त को इसको झेलना पड़ता है, भक्तों को इससे संघर्ष करना पड़ता है अहंकार से। ये अहंकार जो भी बाकी के जो छह अनर्थ हैं, काम क्रोध लोभ मोह ममत्व, ये जो अनर्थ है ये तो ऐसे ही चुटकियों में भक्त की कृपा से सब फटाफट अनर्थ निवृत्ति हो जाती है, लेकिन जो अहंकार है ये अहंकार भक्ति जीवन के अंत तक, जब तक व्यक्ति शरीर छोड़ नहीं देता तब तक ये अहंकार उसके साथ रहता है और उसको टॉर्चर करते रहता है। देख क्या कह रहे हैं, उस दिन विनम्र वासुदेव को चिंता थी कि श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा से ठीक हो जाने से कहीं वो गर्वित ना हो उठे। अभी देखिए महाप्रभु क्या कह रहे हैं, प्रभु कहे कभु तो मार नहाए बे अभिमान, निरंतर कह तुम्हें कृष्ण कृष्ण नाम। देखिए क्या उपाय बता रहे हैं,
निरंतर कहो तुम्हें कृष्ण कृष्ण नाम। श्री चैतन्य महाप्रभु ने उस ब्राह्मण को इससे बचाने के लिए उपदेश दिया कि वह निरंतर हरे कृष्ण महामंत्र का जप करे, ऐसा करने से वह कभी भी व्यर्थ गर्वित नहीं होगा। देखिए यहाँ पे क्या बता रहे, व्यर्थ गर्वित नहीं होगा, मतलब जब कोई व्यक्ति अहंकार प्रदर्शन करता है तो इस श्लोक के अनुसार वो व्यर्थ ही है। अननेसेसरीली ही क्या कर रहा है, मेहनत कर रहा है, अननेसेसरीली अपने अहंकार को प्रदर्शन कर रहा है कि हाँ मैं भी कुछ हूँ। एक जगह में सुन रहा था कि प्रभु जी कह रहे थे तुम कुछ नहीं हो, तुम तुच्छ हो। इस चीज को रियलाइज करना चाहिए, तुम कुछ नहीं हो, तुम तुच्छ हो। जब कोई भक्त इस चीज को रियलाइज नहीं कर लेता मैं कुछ नहीं मैं तुच्छ हूँ, तब तक इस प्रकार का भगवान उसके ऊपर कृपा नहीं करेंगे। मैं कुछ नहीं मैं तुच्छ हूँ, इस प्रकार का उसके अंदर रियलाइजेशन होना चाहिए। श्री चैतन्य महाप्रभु ने उस ब्राह्मण को कहा कि क्या दिया उपदेश, तुम हरे कृष्ण महामंत्र का निरंतर जप करते रहो, तुम्हें क्या होगा, ये अहंकार जो है परेशान नहीं करेगा। लेकिन थोड़ा कॉन्ट्रडिक्टरी लगता है ना ये, जैसे जन्म ईश्वर सत्रिशी भी एदमान यदापमान, जैसे कुंती महारानी कहते हैं भगवान कृष्ण को स्तुति करते हुए कि हे भगवान ये जो जन्म ऐश्वर्य श्रुति श्री सुंदरता धन उच्च कोल में जन्म, ये सब तो आपके भक्ति जीवन में प्रगति करने के लिए बाधक है। और प्रभुपाद जी कहते हैं दिस आर द डिस्क्वालिफिकेशन फॉर द डिवोटी हु वांट्स टू एडवांस इन कृष्ण कॉन्शियसनेस। कोई व्यक्ति अगर कोई कृष्ण भावनामृत आगे बढ़ना चाहता है तो ये जन्म ऐश्वर्य श्रुति श्री है, इसके ये उसके लिए क्या है, एक बाधा है। और ऐसा सिर्फ भक्त नहीं कह रहे हैं, स्वयं भगवान भी कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं, निष्किंचनस्य भगवत भजनोन्मुखस्य। जब कोई व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में आगे बढ़ना चाहता है कोई व्यक्ति, तो उसको क्या होना चाहिए, निष्किंचन होना चाहिए। दो प्रकार के लोग होते हैं, निष्किंचन और किंचन। किंचन व्यक्ति वो होता है जो भक्ति करता है लेकिन भक्ति करने के पीछे उसका कुछ उद्देश्य होता है। क्या उद्देश्य होता है, हाँ मैं भक्ति करूंगा तो मुझे फेमस होना है, मैं भक्ति करूंगा तो मुझे बड़ा आदमी बनना है, मैं भक्ति करूंगा तो मेरे लिए ये हो जाना है, मुझे पैसा कमाना है। इस प्रकार के जो उद्देश्य के साथ जो भक्ति करते हैं उनको किंचन भक्त कहा गया है। और एक और दूसरे भक्त कौन होते हैं, निष्किंचन। निष्किंचनस्य भगवत भजनोन्मुखस्य, ये चैतन्य चरितमानस महाप्रभु श्लोक कोट करते हैं, निष्किंचनस्य भगवत भगवत भजनोन्मुखस्य। व्यक्ति को निष्किंचन होना पड़ेगा, भक्ति करने के पीछे उनका कोई उद्देश्य नहीं होना चाहिए। भगवान किसी भी परिस्थिति में रखे, दुख में रखे सुख में रखे, हमारे को किस प्रकार से भगवान एक इंस्ट्रूमेंट के रूप में यूज करे, एक निष्किंचन भक्त का उद्देश्य यही होता है कि भक्त मुझे इंस्ट्रूमेंट के रूप, भगवान मुझे एक एक कठपुतली के रूप में यूज करें। इस प्रकार से प्रभुपाद जी जब अमेरिका जा रहे थे तो इस जहाज में उन्होंने जो भजन लिखे उसमें क्या लिखा उन्होंने कि मैं तो आपके हाथ में कठपुतली हूँ, आप जैसा चाहो मैं वैसा नाचूंगा। तो निष्किंचन भक्त का ये लक्षण है कि वो हमेशा भगवान के हाथ में कठपुतली के रूप में चलना चाहते हैं, है ना। लेकिन महाप्रभु जैसे भक्त लोग क्या कहते हैं कि महाप्रभु भगवान आपके भक्ति में ये सब बाधा है, जन्म ऐश्वर्य स्थिति श्री भी। और स्वयं महाप्रभु भी कहते हैं, क्या कहते हैं, आमी विज्ञ से ही मूर्ख विषय के न दिव। आमी विज्ञ, मैं तो बुद्धिमान हूं, मैं तो बुद्धिमान हूं, यही मूर्ख, ये जो जीवात्मा है तो मूर्ख है, विषय के न दिव, मैं इसको विषय कैसे दे दूं। मैं तो बड़ा बुद्धिमान हूं, मैं भगवान हूं ना, मैं सब जानता हूं, मैं परम पिता हूं, मैं जानता हूं इसके लिए क्या अच्छा है, पर ये जीवात्मा जो मूर्ख है बेचारा, इसको मैं विषय कैसे दे दूं। विषय को एक्चुअली विष के साथ तुलना किया गया है। विष जो है व्यक्ति को एक बार मारता है, आपको किसी को सांप डस ले या कोई जहर खा के किसी को मार दे तो एक बार मर जाएगा, लेकिन ये जो विषय है उसको जीवन पर्यंत मारता रहेगा, मारता रहेगा, मारता रहेगा, मारता रहेगा। क्यों मारता रहेगा, क्योंकि विषय, जब व्यक्ति जो विषय हो जाता है तो विषय होने के साथ साथ पाप करी पाप कार्यों को भी अपने जीवन में जोड़ लेता है। तो इन पाप कार्यों को जीवन में जोड़ते हुए वो विषय जीवन को आगे बढ़ाते हुए अपने कर्म बंधन को जटिल करते जाता है। और जब अपने कर्म बंधन को जटिल कर रहा होता है तो क्या होता है, वो जन्म मृत्यु के चक्र को आगे बढ़ाता रहता है, आगे बढ़ाता रहता है, और आगे बढ़ाते बढ़ाते क्या होता है, वो और कष्ट भोगता है। तो इसके लिए विषय कहना दी, इसके लिए चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि मैं ऐसे मूर्ख जीवात्मा को कैसे मैं विषय दे दूं। इसके लिए क्या कहते हैं, स्वचरणामृत दिया विषय भुलाई। इसलिए कहते हैं कि मैं अपने चरणामृत दे करके
अपने चरणों को देख करके उसको विषय का भोग ही भुला दूंगा। इतने कृपालु थे महाप्रभु। और इसके विषय में भगवान श्रीमद् भागवतम के पंचम स्कंद में भी कहते हैं, मैं कुछ श्लोक पढ़ के सुनाता हूँ, बड़ा सुंदर श्लोक है। कहते हैं यद्यत्र न स्वर्ग सुखावशेषितम् सुदिष्टस्य सुखस्य कृतस्य शोभनम् तेनाजनाभे स्मृति मज्जनम् न स्याद् वर्षे हरि भजताम् न नोति। इसमें कह रहे हैं कि द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड इट फुलफिल्स द मटेरियल डिजायर ऑफ अ डिवोटी हु अप्रोचेस हिम विद सच मोटिव्स but it does not bestow benediction upon the devotee that will cause him to demand more benediction again। ya pancham skand ke 19th adhyay ke 27th number shlok mein padhenge, bahut sundar bata rahe hain। kya bata rahe hain, keh rahe hain ki jab koi vyakti ko jab koi bhakt bhagwan ke paas koi vishay vastu mangne ke liye aata hai to bhagwan usko nakarte nahi hain। theek hai vishay mangna chahta hai theek hai vishay le lo, vishay de dete hain usko aur kya kehte hain vishay mangne ki jo hriday mein pravritti hai उस प्रवृत्ति को साथ साथ में नाश कर देते हैं। फिर क्या कह रहे हैं आगे, कह रहे हैं हाउएवर द लॉर्ड विलिंगली गिव्स द डिवोटी शेल्टर एट हिज ओन लोटस फीट इवन दो सच ए पर्सन डज नॉट एस्पायर फॉर इट। है ना, जैसे भगवत गीता में भगवान बताते हैं ना कि चार प्रकार के लोग उनके पास आते हैं, ज्ञानी अर्थात जिज्ञासी। इस प्रकार के जो चार लोग आते हैं भगवान के पास, प्रार्थना करते हैं तो भगवान क्या करते हैं इनके हृदय में जो भोग की जो वासना उसको तृप्त कर देते हैं, साथ साथ में क्या करते हैं उनके हृदय में भोग करने की जो वासना उसको जड़ से काट देते हैं। तो उसको जो भी भोग वस्तु मिलती है, धन हो ऐश्वर्य हो श्रुति हो कुछ भी हो, वो भगवान की सेवा में यूज करेगा। उसके अंदर वो भगवान उसको ट्रेनिंग देकर उसके हृदय में वो चीज को बना देते हैं। है ना, फिर आगे क्या कह रहे हैं, फिर आगे कहते हैं And that satisfies all his desire. That is the supreme personality, a special mercy. और ये भगवान की एक विशेष कृपा है कि जैसे वो उसके हृदय से भोग वासना करने की जो इच्छा उसको काट देते हैं, साथ साथ में क्या होता है वो उसकी इच्छा भी खत्म हो जाती है कि अभी मैं कुछ नहीं मांगू। वो पश्चाताप करते हुए, हे भगवान मैं भगवान से क्या मांग रहा था, विषय वस्तु की इच्छा कर रहा था भगवान से। और भगवान क्या करते हैं, भगवान की ये स्पेशल कृपा है किनके प्रति, उनके भक्तों के प्रति। और महाप्रभु जब राजा प्रताप रुद्र से मिलने जाते हैं तो बहुत प्रताप रुद्र क्या करते हैं, वो कहते हैं महाप्रभु से मिलना, सार्वभौम भट्टाचार्य को कहते हैं मैं महाप्रभु से मिलना चाहता हूँ, लेकिन महाप्रभु कहते हैं कि मैं विषय लोग से नहीं मिलता हूँ, मैं विषय लोग से नहीं मिलूंगा, विषय लोग बहुत डेंजर होते हैं सब करके ऐसा कहकर महाप्रभु नकार देते हैं। लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि महाप्रभु वही विषय किसको दे रहे हैं, अपने शुद्ध भक्त को दे रहे हैं, किसको, वासुदेव को। आप पढ़ सकते हैं चैतन्य महाप्रभु ब्राह्मण को इसमें बचाने के लिए उपदेश भी दिया, दिया तो दिया, लेकिन जब वो ब्राह्मण ने विनम्रता पूर्वक पूछा कि प्रभु मैं इसमें फंस नहीं फंसोगे, निरंतर हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते रहो, कभी नहीं फंसोगे, है ना, कभी नहीं फंसोगे। ठीक है, फिर आगे देखिए क्या श्लोक कह रहे हैं, आगे कह रहे हैं, एक मिनट, पांच मिनट में खत्म कर देंगे हम। अतेक कहिया प्रभु कैले अंतर्धाने दुई विप्र गला गले कांदे प्रभुर गुणे। अभी मतलब देखिए ये जो लीला हो रही है ये दोनों ब्राह्मणों के बीच में हो रही है, ब्राह्मण दो कूर्म ब्राह्मण भी था उधर और वासुदेव विप्र, ये दोनों ब्राह्मणों के समक्ष भगवान ने अपनी लीला का क्या किया, प्रदर्शन किया। अभी देखिए दोनों क्या कर रहे हैं, वासुदेव ब्राह्मण को इस प्रकार उपदेश देने के बाद श्री चैतन्य महाप्रभु उस स्थान से अदृश्य हो गए। तब कूर्म तथा वासुदेव दोनों ब्राह्मण एक दूसरे के गले लगाकर श्री चैतन्य महाप्रभु दिव्य गुणों का स्मरण करके रोने लगे, क्रंदन करने लगे। अब वासुदेव भगवान ने वासुदेव के ऊपर कृपा कर दी, देखिए कितना फटाफट हुआ ना, वो वासुदेव ब्राह्मण सुनता है कि महाप्रभु आए कृपा लेने के लिए, और जो थोड़ा सा प्रयास करता है कि मैं महाप्रभु का दर्शन करना चाहता हूँ, जब वो दर्शन करने के लिए जाते नहीं कर पाते तो महाप्रभु उनके हृदय में जो विरह था उसको देख करके उनके ऊपर कुछ मिनटों में कृपा करके चले जाते हैं। तो इस प्रकार से तीव्र गति से महाप्रभु प्रचार कर रहे हैं दक्षिण भारत में। इसके लिए जब प्रभुपाद जी से पूछते थे कि संकीर्तन मूवमेंट कब शुरू हुआ तो प्रभुपाद जी क्या कहते थे, 500 वर्ष पहले श्री चैतन्य महाप्रभु जब आए थे उन्होंने ये मूवमेंट शुरू किया। प्रभुपाद जी ने ये कभी नहीं कहा कि मूवमेंट मैंने शुरू किया है, नेवर।
ये भक्तों की विनम्रता है एक्चुअली, महाप्रभु ने ही उनको शक्ति प्रदर्शन शक्ति प्रदान की थी प्रभुपाद जी को, प्रभुपाद जी ने इतना बड़ा कार्य किया, लेकिन वो कभी भी अपने आप को वो योग्य नहीं मानते थे कि मैंने किया ये सब, वो जानते थे कि ये क्या कर रहा है, महाप्रभु से ही आंदोलन शुरू हुआ है। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि महाप्रभु किस प्रकार से प्रचार कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं, जगन्नाथपुरी में प्रचार कर रहे हैं, भारत कहाँ प्रचार कर रहे, दक्षिण भारत में प्रचार कर रहे हैं, तो उत्तर भारत गए थे बनारस इत्यादि में, वहां पर जाकर के जो मायावादी थे प्रकाशानंद सरस्वती, उन सारे मायावादियों को भक्त बना देते हैं। तो महाप्रभु के स्वयं भगवान थे, उनके पास ये शक्ति थी कि मायावादी जैसे लोगों को भी भक्त बना दे। अभी कुछ दिन पहले मैं श्री श्री राधा गोविंद देव जी का दर्शन करने गया था, तो जब मैं मंदिर में पहुंचा तो गोविंद देव जी के पास पहुंचा, तो गोविंद देव जी दर्शन करके मैं थोड़ा सा रिटर्न आ रहा था, हम दो तीन डिवोटीज थे, तो एक व्यक्ति मिला और बोला हरे कृष्ण महाराज जी, राधे राधे इस प्रकार से बोल रहा था, मैं बोला राधे राधे, क्या हम थोड़ा बात कर सकते हैं, तो बात करते करते हम आगे आ रहे थे, तो कह रहा था कि मैं गोविंद देव जी के मंगल आरती जब तक अटेंड नहीं करता हूँ ना, तब तक मैं भोजन का एक दाना भी अटेंड नहीं, दाना भी नहीं खाता हूँ, मैं भोजन ग्रहण ही नहीं करता हूँ जब तक मैं गोविंद देव जी का मंगल आरती दर्शन ना कर लूँ। मैं बोला यार तो बढ़िया है, ऐसा डिटर्मिनेशन तो मेरे अंदर भी नहीं है, मेरे अंदर भी ऐसा डिटर्मिनेशन नहीं है। फिर थोड़ा थोड़ा आगे चलते गए थोड़ा बात करते करते, तो उसने गोविंद देव जी की कुछ लीलाएं बता रहा था, फिर उसने कहा एक ऐसी चीज कही जो मेरा दिमाग खराब कर गई, उसने कहा कि मरने के बाद हम भी गोविंद बन जाएंगे। मैं बोला यार ये तो खतरनाक आदमी है, मरने के बाद हम भी गोविंद बन जाएंगे, इस प्रकार से उसने कहा। तो मैं बोला कि मायावादी लोग भगवान को एक साधारण मनुष्य समझते हैं, हम भी गोविंद बन जाएंगे, कैसे गोविंद बन जाओगे यार, एकदम मूर्खतापूर्वक बात करते हैं मायावादी लोग, मतलब उनकी बात में कोई लॉजिक ही नहीं होता है। अभी मैं भीड़ भड़ाके में जाकर के बोलूं, मैं बोलूंगा मैं सचिन तेंदुलकर हूँ, मैं बोलूंगा मैं सचिन तेंदुलकर, मैं अमिताभ बच्चन हूँ, तो कोई विश्वास करेगा क्या? विश्वास करनी दूर की बात, लोग मुझे पागल समझेंगे, ये पागल आदमी आके बोलता है, क्या बोलता है, मैं सचिन तेंदुलकर हूँ, मैं अमिताभ बच्चन हूँ, तो ये मायावादी लोग इस प्रकार की बात करते हैं, मैं भगवान हूँ। अबे तुम भगवान कैसे होगा, भगवान बुढ़े कब, भगवान बुढ़े कब हो गए, तो ये इलॉजिकल बातें करते हैं मायावादी लोग। कोई व्यक्ति जाकर किसी को बोले कि मैं अमिताभ बच्चन हूँ तो कोई विश्वास नहीं करेगा, छोटी सी बात के लोग विश्वास नहीं करेगा, लोग हमको पागल समझेंगे। तो किस प्रकार से व्यक्ति अपने आप को भगवान बोल देता है, मैं गोविंद बन जाऊंगा, आप गोविंद, मैं गोविंद, हम सब गोविंद, यहाँ जो भी सब दिख रहा है सब गोविंद। अरे भाई एकदम टाइम पास लोग हैं, और वास्तविकता में ऐसे बहुत लोग हैं जो भगवान को सामने रखकर क्या करते हैं, टाइम पास करते हैं, नहीं हम गोविंद बन जाएंगे, हम जगन्नाथ बन जाएंगे। जगन्नाथ जो थे पहले एक लाइट थे, लेकिन हम लीला करने के लिए वो जगन्नाथ का रूप धर के आते हैं। हमने एक जगह पहले सुना था, कोई मूर्ख ये नहीं समझ पाता कि जब तक कोई व्यक्ति, जब तक किसी, जैसे फॉर एग्जांपल एक ट्यूबलाइट है मान लीजिए, अभी कोई ये कहे कि ट्यूबलाइट की जो रोशनी है उससे ट्यूबलाइट आया है, ऐसा कहे कोई व्यक्ति, तो कितनी मूर्खतापूर्ण बात है ना। बल्कि जो समझदार व्यक्ति जानता है कि ट्यूबलाइट जो फिजिकल जो ट्यूबलाइट का जो फॉर्म है उस फॉर्म से ट्यूबलाइट की रोशनी आ रही है ना। लेकिन जो ये मूर्ख मायावादी होते हैं वो कहते हैं कि नहीं, क्या आता है, जो उजाला है ट्यूबलाइट का उजाला है, उस उजाले से ट्यूबलाइट का फॉर्म आया हुआ है। इस प्रकार की मूर्खतापूर्ण बात करते हैं, इलॉजिकल बातें करते हैं। अभी जो समझदार व्यक्ति इस चीज को समझ भी जाए कि भैया ऐसा कैसे हो सकता है, सूर्य की, सूर्य से सूर्य किरणें आती हैं, अभी सूर्य किरणें से सूर्य कैसे आ सकता है, इस प्रकार की मायावादी बात करते हैं। इसके लिए भक्त लोग को चाहिए कि शास्त्र को पढ़ करके इन सारे चीजों में अपने आप को एकदम दृढ़ कर ले कि भाई बहुत खतरनाक लोग रहते संसार में। तो आगे देखिए क्या करे वासुदेव, वासुदेव उद्धार एई कहिल अख्यान, वासुदेवामृत प्रद हैले प्रभुर नाम। कहते हैं इस प्रकार श्री चैतन्य महाप्रभु ने जिस तरह वासुदेव कोड़ी का उद्धार किया और जिस तरह उनका नाम वासुदेव मृत प्रद पड़ा, उसका वर्णन मैंने किया। तो अभी देखिए यहाँ पे लीला महाप्रभु कर रहे हैं, तो यहाँ पे कृष्णदास कविराज गोस्वामी अब इस लीला को समाप्त करते हुए क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि अभी मैंने देखिए वासुदेव जो था उसका उद्धार की लीला मैंने आपको बताया,
अभी आगे जाकर के माँ चेतना चरिता में अभी कृष्णा कविराज गोस्वामी अलग अलग प्रकार के लीलाओं को वर्णन करेंगे। ठीक है, इस तरह में श्री चैतन्य महाप्रभु की प्रारंभिक यात्रा का वर्णन समाप्त करता हूँ, जिसमें उन्होंने कूर्म मंदिर का दर्शन किया और कोड़ी ब्राह्मण वासुदेव का उद्धार किया। श्रद्धा कर यही लीला यही करे श्रवण, अचिराते मिले तारे चैतन्य चरण। देखिए कितना सुंदर, कितना मतलब कलयुग में जीवात्माओं को मतलब इतना डिस्काउंट मिला है, व्यक्ति सोच भी नहीं सकता क्या डिस्काउंट। देखिए जो कोई श्री चैतन्य महाप्रभु की इन लीलाओं को अत्यंत श्रद्धा पूर्वक सुनेगा, उसे तुरंत ही उन्हें उनके चरण कमलों की प्राप्ति हो जाएगी। अभी श्रद्धा चीज तो है बहुत जरूरी, इसलिए भगवत गीता में भगवान क्या कहते बताए, श्रद्धावान लभते ज्ञानम। जो व्यक्ति श्रद्धावान है भगवत गीता का ज्ञान उसको ही समझ में आएगा, और किसी को समझ में नहीं आने वाला है ये जो ज्ञान है। ठीक है, अभी 9 बज चुके हैं तो अभी यहाँ पे हम विराम देते हैं, तो अभी तो प्रश्न ले नहीं सकते, 9 बज चुका है, तो अगर कोई कुछ कमेंट करना चाहे तो कर सकता है। ठीक है प्रभु जी, निरंजन प्रभु, हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद श्री प्रभु जी का, प्रभु जी ने बहुत सुंदर समझाया और इस अध्याय को कंप्लीट कर दिए, तो उनको धन्यवाद देते हुए आभार व्यक्त करते हैं हरे कृष्ण महामंत्र के द्वारा। सब लोग बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, आपने बहुत सुंदर समझाया, आप ऐसे ही हमको सुनाते रहिए। अरे बाप रे बाप, आप तो सेवा देते रहो प्रभु। हो गया, प्रसाद का समय हो गया, हम एंड कर देते हैं।